बोल बोलिए, बोल दीजिए, मत बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा। दोस्तों आज मैंने जो शब्द चुना है इसी के ऊपर में ही चुना है। दोस्तों देखिए, बोलना जो एक शब्द होता है उसको हम भिन्न भिन्न रूपों में किस प्रकार से हम तेलुगु भाषा में बात करते हैं और छोटे छोटे वाक्य बनाते हैं वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों आज हम जो सीखने वाले हैं बस छोटे छोटे शब्द और वाक्य हैं। दोस्तों बड़े बड़े नहीं हैं, लेकिन आप लोगों को सीखना है, जानना है और अपने दोस्त या रिश्तेदार हो जो भी तेलुगु जानता है उनके सामने आप इनका उपयोग भी करना है। नमस्कार दोस्तों, आप सबको सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो विषय है बहुत ही खास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं चाहता हूं आज इस वीडियो का पूरा देखें, शुरू से लेके लास्ट तक देखें, तभी आप पूरा अच्छी तरह से तेलुगु में बात करना सीख जाएंगे और अच्छी तरह से समझने भी लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को देर नहीं करते हैं, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो में नए आए हैं प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरा पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाए। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था, आज मैंने शब्द चुना है बोल। बोल चेप्पु, बोलिए, चप्पली। दोस्तों बोल जो शब्द होता है हमसे जो छोटे रहते हैं उनको बोलते हैं, या हमारे जो करीबी दोस्त होते हैं, जो बचपन के जो लंगोटे यार होते हैं उनको हम बोल सकते हैं। बोल मतलब चप्पू। जो हमसे बड़े होते हैं या कोई अनजान आदमी होते हैं उनसे हम बोलेंगे बोलिए। क्या बोलेंगे? बोलिए। कोई विषय हो, जो भी किसी के टॉपिक में हम बात करना चाहते हैं वैसे स्थान पर हम बोलेंगे बोलिए। बोलिए का अर्थ होता है चेप्पंडी। क्या? चेप्पंडी। तू बोल नुवु चेप्पु। तू बोल नुवु चेप्पु। आप बोलिए, आप बोलिए। मीरु चेप्पंडी, आप मीरु बोलिए। चेप्पंडी आप बोलिए। मुझे बोल या मुझे बोलो। नाकु चेप्पु, मुझे नाकु बोल चेप्पु। अगर हम किसी बड़े को बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? मुझे बोलिए। क्या बोलेंगे? मुझे बोलिए। नाकु चेप्पंडी, नाकु चप्पंडी। दोस्तों मैं किस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं आप उसे ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों ये जो वर्ड्स होते हैं ना दोस्तों, आप बहुत साफ और सुथरा जितना अच्छे से बोल सकते हैं सुनने वाले को भी उतना अच्छा ही लगेगा। मैं चाहता हूं मैं जिस प्रकार से शब्दों का उच्चारण कर रहा हूं आप उसे ध्यान से सुनिएगा और उसे अच्छी तरह से अभ्यास कीजिएगा। मैं क्या बोलूं? मैं क्या बोलूं? नेनु एमी चप्पनु, नेनु एमी चप्पनु। मैं, नेनु, क्या, एमी, बोलूं, चप्पनु, नेनु एमी चप्पनु। हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? मेमु एमी चप्पमु। हम मेमु क्या एमी बोलेंगे चप्पमु। मेमु एमी चप्पमु। दोस्तों अगर आपके साथ साथ बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे ग्रुप होंगे, वैसे स्थान पर इस वाक्य को आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हम सब क्या बोलेंगे? हम सब, हम सब क्या बोलेंगे? मैं मंदरम एम चेप्तामु, मैं मंदरम एमी चेप्तामु। हम सब, मैं मंदरम क्या एमी बोलेंगे चेप्तामु, मैं मंदरम एमी चेप्तामु। अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। नेनु चेप्पनु, नेनु चेप्पनु। मैं नहीं बोलूंगा। मैं के स्थान पर अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे।
हम मेमू नहीं बोलेंगे, चेप्पमू नहीं बोलेंगे, चेप्पमू। आपने कहा था मैं नहीं बोलूंगा, अगर मैं के साथ साथ कुछ लगा देते हैं और ये सेंटेंस अच्छा लगता है, जैसे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नेनु एमी चप्पनु, नेनु एमी चप्पनु या एमी चप्पनु, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं नेनु कुछ नहीं एमी या एमी नहीं बोलूंगा चप्पनु, नेनु एमी चप्पनु। हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, मेमु एमी चेप्पमु या चेप्पमु, मेमु एमी या एमी चेप्पमु या चेप्पमु। हम सब कुछ नहीं बोलेंगे, हम सब कुछ नहीं बोलेंगे, मे मंदरम एमी चेप्पमु, मे मंदरम एमी चेप्पमु। हम सब मे मंदरम कुछ भी एमी नहीं बोलेंगे, चेप्पमु मे मंदरम एमी चेप्पमु। आप मुझे मत बताइए, आप मुझे मत बताइए, मेरु नाकु चप्पकंडी या चप्पवद्दु, मेरु नाकु चप्पकंडी या चप्पवद्दु। दोस्तों, चप्पकंडी और चप्पवद्दु दोनों शब्दों के अर्थ समान ही होते हैं दोस्तों, उसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। आप जो सब शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मत बताइए, क्या कहा था दोस्तों, मत बताइए, वैसे स्थान पर चप्पवद्दु थोड़ा ठीक रहता है। अगर आपको चप्पकंडी बोलने में ठीक लग रहा है तो आप चप्पकंडी बोल सकते हैं या चप्पवद्दु भी बोल सकते हैं। मुझे कुछ बोलना नहीं है, मुझे कुछ बोलना नहीं है, नाकु एमी चप्पेदि लेदु, नाकु एमी चप्पेदि लेदु। मुझे कुछ बोलना नहीं है, मुझे कुछ बोलना नहीं है, नाकु एमी चप्पेदि लेदु, मुझे नाकु कुछ एमी बोलना नहीं है, चप्पेदि लेदु। आपको जो बोलना है बोल दीजिए, आपको जो बोलना है बोल दीजिए, मीकु एमी चेप्पालनि उंदो चेप्पेयंडि, मीकु एमी चेप्पालनि उंदो चेप्पेयंडि। आपको मीकु जो बोलना है एमी चेप्पालुंदो, एमी चेप्पालनि उंदो बोल दीजिए, चेप्पेयंडि। दोस्तों, ये जो वाक्य है फिलहाल मैंने बड़े लोगों के लिए बताया था, हमसे जो बड़े होते हैं उनके सामने हम ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जो कि हमें बोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उसीलिए मैंने ये वाक्य बनाया था। अगर यही वाक्य अगर हमसे जो छोटे रहेंगे उनसे हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे तुझे जो बोलना है बोल दे, तुझे जो बोलना है बोल दे, नीकु एमी चेप्पालनि उंदो चेप्पे, नीकु एमी चेप्पालनि उंदो चेप्पे, तुझे नीकु जो बोलना है एमी चेप्पालनि उंदो बोल दे चेप्पे। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं ना बहुत सफेद सफेद झूठ बोलते रहते हैं, तो उनके स्थान पर अपने मुंह से ऐसे वाक्य निकल जाते हैं जो कि उनसे हम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? आप झूठ बोलने में सबसे पहले रहते हैं, आप झूठ बोलने में सबसे पहले रहते हैं, मीरु अबद्धम चेप्पडंलो अंदरिकन्ना मुंदुगा उंटारु, मीरु अबद्धम चेप्पडंलो अंदरिकन्ना मुंदुगा उंटारु। आप मीरु झूठ बोलने में अबद्धम चेप्पडंलो सबसे पहले अंदरिकन्ना मुंदुगा
రహతే హే ఉంటారు అబద్ధం చెప్పడంలో అందరికన్నా ముందుగా ఉంటారు మే సచ్ కే సివా జూట్ నహీ బోల్తా మే సచ్ కే సివా జూట్ నహీ బోల్తా నేను నిజం తప్ప అబద్ధం చెప్పను నేను నిజం తప్ప అబద్ధం చెప్పను అబద్ధం జూట్ मैं नेनु सच के सिवा निजम तप्पा झूठ नहीं बोलता झूठ अबधम नहीं बोलता चप्पनु नेनु निजम तप्पा अबधम चप्पनु आप एक बात को 10 बार मत बोलिए आप एक बात को 10 बार मत बोलिए మీరు ఒకే మాటని 10 సార్లు చెప్పకండి మీరు ఒకే మాటని 10 సార్లు చెప్పకండి ఆప్ ఏక్ హీ బాత్ కో 10 బార్ మత్ బోలియే ఆప్ మీరు ఏక్ హీ బాత్ కో ఒకే మాటని 10 బార్ 10 సార్లు 10 మత్లబ్ 10 సార్లు మత్ బోలియే చెప్పకండి ఒకే మాటని 10 సార్లు చెప్పకండి ఆప్ బోల్తే రహియే మే సున్తే రహతా హూ ఆప్ బోల్తే రహియే మే సున్తే రహతా హూ మీరు చెప్తూ ఉండండి నేను వింటూ ఉంటాను మీరు చెప్తూ ఉండండి నేను వింటూ ఉంటాను సునినా వినడం సుననా వినడం సున్తే రహతా హూ వింటూ సున్తే వింటూ ఉంటాను రహతా హూ ఆప్ మీరు బోల్తే రహియే చెప్తూ ఉండండి నేను మే సున్తే రహతా హూ వింటూ ఉంటాను दोस्तों आई होप आज का वीडियो आप लोगों को मजेदार लगा ही होगा क्योंकि आज मैंने आप लोगों को एक ही शब्द की सहायता से कितने रूपों में आप लोगों को बताया है सिखाया है और मैंने आपको ये भी बताया है कि इन शब्दों और वाक्यों का अच्छी तरह से आप अभ्यास कीजिएगा अपनी कॉपियों में लिखिएगा और किसी न किसी से मतलब जो तेलुगु जानते हैं उनसे जरूर बात कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मुझे अभी आप लोगों से विदा लेने का समय हो चुका है। अगर आपको लगता है कि आज के वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन हाँ दोस्तों जो भी मेरे वीडियो में नए नए आए हैं प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों अभी मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।